नमस्कार, डीजीएनए न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। इस वक्त मैं बैतूल संसदीय क्षेत्र के हरदा जिला मुख्यालय पर मौजूद हूं और डीजीएनए न्यूज समूह की चुनावी चौपाल नर्मदा के किनारे बसे हरदा जिला मुख्यालय में सजी हुई है। इस चौपाल में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक पांचवी बार अपने विधायक का कार्यकाल शुरू किया। उन्होंने इसके पहले चार बार हरदा से विधायक चुने गए हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर कांग्रेस के बेहद कद्दावर नेता विष्णु राजौरिया को हराकर शुरू किया था। विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीति करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहते हुए और मध्य प्रदेश सरकार में 10 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर का पद संभालते हुए राजस्व मंत्री रहते हुए कमल पटेल ने बहुत सारी राजनीतिक ऊंचाइयां छुई हैं। कमल पटेल इस समय हमारी चुनावी चौपाल में मौजूद है, हरदा के भाजपा विधायक हैं। हमने कांग्रेस से तमाम दिग्गजों को आमंत्रित किया था, लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि इस चुनावी चौपाल में भाग लेने के लिए कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं आया। और आप ये जो खाली खाट देख रहे हैं, ये कांग्रेस की खाट है जो अब खड़ी हो चुकी है। चुनावी चौपाल शुरू होने के पहले ही कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है और यही हार बैतूल की चुनावी तासीर को बताती हुई नजर आती है। पिछला विधानसभा चुनाव जो 2018 में हुआ था, उसमें खंडवा जिले की एक सीट हरसूद, हरदा जिले की 2 सीट हरदा और टिबरनी और बैतूल जिले की 5 सीटें बैतूल, घोड़ा डोंगरी, भैंसदेही, अमलाहा और मुलताई, इन 5 सीटों में से 4 सीट पर कांग्रेस विजय रही थी। केवल आमला सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन खंडवा जिले की हरसूद और हरदा जिले की 2 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इस प्रकार बैतूल और हरदा जिले की जो मिलाकर ये जो बैतूल संसदीय क्षेत्र बना है, इसकी 4-4 सीटें दोनों पार्टियों के पास हैं। कमलनाथ के बेहद खास विधायक सुखदेव पासे बैतूल से मंत्री हैं, लेकिन पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने 90,000 की बढ़त प्राप्त की थी और पिछले 2 चुनाव ज्योति ध्रुवे भारतीय जनता पार्टी की तौर पर जीती थी। पिछला चुनाव तो उन्होंने लगभग 4.25 लाख वोटों से जीता था 2014 में, जब मोदी जी की लहर चल रही थी। और अब भारतीय जनता पार्टी ने जहां डीडी उइके को, दुर्गादास उइके को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने युवा नेता रामू टेकाम को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि कमलनाथ के समर्थक माने जाते हैं। तो गाहे बगाहे, जाने अनजाने बैतूल सीट पर मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रतिष्ठा लगी हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विजय शाह और कमल पटेल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कमल पटेल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव संचालक भी हैं, चुनाव प्रभारी भी हैं बैतूल संसदीय क्षेत्र के। वो यहाँ पे मौजूद हैं हमारी चुनावी चौपाल में, हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। कांग्रेस की तरफ से कोई सवाल जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव शुरू होने के पहले उन्होंने हार मान ली है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, ये खाली खाट, खड़ी हुई खाट कांग्रेस का प्रतीक है। इस पूरे चुनाव की खास बात यह है कि यहाँ पर वैसे तो कोरकू आदिवासियों का बहुमत है, लेकिन दोनों ही दलों ने गोंड प्रत्याशियों को, गोंड आदिवासियों का अपना उम्मीदवार बनाया है, चाहे रामू टेकाम हो, चाहे डीडी उइके हो। ज्योति ध्रुवे जो 2 बार से सांसद बन रही थी, वो जाति प्रमाण पत्र उनका विवादास्पद हो गया और उनके आदिवासी होने पर सवाल खड़े होने लगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ड्राप कर दिया है और एक नए उम्मीदवार को, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से आते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने युवा उम्मीदवार रामू टेकाम को अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं सबसे पहले आज की चुनावी चौपाल की शुरुआत भाजपा के बेहद लोकप्रिय नेता कमल पटेल के साथ चर्चा करते हुए करूँगा। कमल पटेल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका भी स्वागत। कांग्रेस जिस तरह से मैदान छोड़कर भागी है,
उससे बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं आपके लिए कम से कम कि शायद चुनाव में भी ये स्थिति बनेगी। मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस जनता से मीडिया से मुंह चुराती हुई क्यों नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जनता से जो झूठे वादे किए, वचन पत्र दिया कि 2 लाख के कर्जा माफ करेंगे किसानों का, युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं तो पहली तारीख से 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं के जो समूह हैं पूरे प्रदेश में कर्ज लेके उन्होंने जो समूह चलाए वो कर्ज में डूब गई थी महिलाएं, उनका कर्जा माफ करेंगे, और बुजुर्गों को जिनको विधवा हैं, निराश्रित हैं, विकलांग हैं, वृद्ध हैं, उनको जो वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है 300 रुपया, उसको 1000 पहली कैबिनेट में पास करके करेंगे। एक एक को वादा दिया किया था घर घर जाकर, कहा था कि जो संविदा कर्मचारी सबको रेगुलर कर देंगे और सारी समस्या मान लेंगे, लेकिन सत्ता आने के 4 महीने के बाद कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, और इसलिए कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कई खरी खरी सुना रहे हैं, और इसलिए वो किस मुंह से यहाँ जवाब देंगे। एक भी काम कांग्रेस ने नहीं किया, क्योंकि कमलनाथ जी सबसे झूठे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, राहुल गांधी सबसे झूठे हुए। राहुल गांधी जी ने मोदी जी के बारे में जो झूठ बोला, कल कोर्ट में जाकर उन्होंने माफी मांगी हाथ जोड़ के कि मैंने गलती कर, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी लिखित में कि मैंने गलती कर ली, माफ कर दो मुझे, और इसलिए आज वो मुंह दिखाने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। मैं गांव-गांव जाता हूं, मैं घेरापुर गया था, एक कार्यकर्ता है उसने दंडवत की कि कमल प्रदेश जीतेंगे तो मैं, तो दूसरे दिन भंडारा था, मंदिर का उद्यापन था, मैं मंदिर में गया तो एक कांग्रेस के नेता आए, बोले कमल पटेल जी मुझे पहचाना आपने, मैंने कहा ब्यास जी हैं आप, बोले नाम मेरा क्या, मैं नाम नहीं जानता लेकिन आपको ब्यास जी तो हैं आप, मैं जानता हूँ, बोले मैं कांग्रेस का पक्का कार्यकर्ता हूँ, 30 साल से एजेंट रहा हूँ, आपके चुनाव में मैंने विरोध किया, कभी बीजेपी को नहीं जीतने दिया यहाँ हीरापुर से, लेकिन इस बार भैया आपकी बीजेपी को मैं काम करूँगा, जीताऊंगा। मैंने कहा क्यों, बोले कांग्रेस ने वो काम कर दिया है जो कभी कल्पना नहीं की थी कि देशद्रोह का कानून खत्म कर देंगे, तो बोले हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और इसलिए मेरे को कांग्रेस ही होने में सर में कांग्रेस छोड़कर अब मैं भाजपा का कमल जी, कमल जी गांव गांव में कांग्रेस की बनी है। कमल पटेल जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि हमने तो लोगों के जो किसानों के खाते में उनके पैसे पहुँचा दिए हैं, और किसानों के खाते में पैसे तक जमा हो गए, असलियत क्या है? असलियत अभी ये किसान बताएंगे, लेकिन असलियत ये है कि 22 लाख किसानों को प्रमाण पत्र दे दिए, और उसकी शुरुआत टिमरनी से की थी। टिमरनी में किसान बैठे, उनको प्रमाण पत्र दे दिए गए, लेकिन एक रुपया भी उनके खाते में नहीं आया, और इसलिए पूरे प्रदेश के किसान कांग्रेस से नाराज हैं। दूसरी बात किसानों को प्रमाण पत्र दे दिए, लेकिन बैंकों को ये कहा कि 2 साल के किसान हैं उनका 25% बैंक जमा करें, बाकी हम देंगे, 2 साल के ऊपर 50-50%। नेशनलाइज बैंक ने सबने मना कर दिया कि आपकी ये योजना हमको पसंद नहीं, हम नहीं मानेंगे, और इसलिए 31 मार्च को सारे किसान डिफाल्टर हो गए, 1 अप्रैल से उनके पास नोटिस आने लग गए, एक तरफ प्रमाण पत्र है और दूसरी तरफ नोटिस है, और इसलिए कांग्रेस ने झूठ बोला, धोखाधड़ी की है 420, इसलिए राहुल गांधी और कमलनाथ जी के खिलाफ हमने कोर्ट में, पुलिस में, थाने में FIR कराई है, मैंने आवेदन दिया है, अब पुलिस चूँकि कांग्रेस की सरकार करेगी नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे, और भोपाल में जो स्पेशल कोर्ट है उसमें मैं शपथ पत्र देकर किसानों की तरफ से FIR कराऊंगा, और धोखाधड़ी 420 अमानत में खयानत, एक तरफ किसानों का कर्जा तो माफ़ नहीं हुआ बल्कि कोऑपरेटिव बैंक को बिठा दिया इन्होंने, प्रशासकों से लिखवा लिया कि आधा पैसा हम जमा करेंगे, आधा पैसा कौन सा, जो किसानों का शेयर मनी जमा है उसके अंदर अपना शेयर जो है, जिसका तो मालिक खुद किसान है, जो किसान मालिक है किसानों की तरफ से आधा पैसा वो जमा कर रहे हैं, इस तरह से अमानत में खयानत की जा रही है, तो 406 और 409 का मुकदमा भी कायम होगा, और इस तरह से, और कमलनाथ जी तो झूठे हैं, पहले पिछला चुनाव जो मैं हरा, नगर पालिका कांग्रेस की थी, कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री थे, नगरीय प्रशासन मंत्री, इन्होंने कहा कि हरदा में गरीबों को 5,500 करोड़ मकान बना के देंगे, 300 करोड़ की योजना, नगर पालिका अध्यक्ष ने पत्र लिखा, कमलनाथ जी ने वहाँ से चिट्ठी भेज दी, 300 करोड़ स्वीकृत हो गए, और यहाँ आकर आवेदन ले लिए लोगों को नगर पालिका में 9,500 आवेदन, और जब चुनाव के समय आया कि कांग्रेस को वोट दोगे तो आपको मकान मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, और इसलिए लोगों ने कांग्रेस को वोट दे दिया, मैं चुनाव हार गया, कांग्रेस जीत गई, और जब बाद में लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा तो चुनावी हथकंडा था,
लेकिन उसका सबक एक बार धोखा देकर आप चुनाव जीत सकते हो, बाद में जीवन में कभी नहीं। हरदा की जनता के साथ कमलनाथ ने भी धोखा दिया, राहुल गांधी ने धोखा दिया, कांग्रेस के नेताओं ने धोखा दिया, उसके जनता ने विधानसभा में इनको सबक सिखाया। चलिए देर से ही हमारे साथ दो कांग्रेसी मित्र आ गए, शायद हमारे कार्यक्रम की शुरुआत वहां पर हुई और उन्होंने अपने घरों में टीवी में देखा होगा जब हमने कहा कि मैदान शुरू होने के पहले, युद्ध शुरू होने के पहले ही रणछोड़ दास बन गए हैं। लेकिन देर से ही आप आए, आपका स्वागत है। कमल पटेल आरोप लगा रहे हैं कि किसानों के साथ धोखा हुआ है, उनके खातों में पैसे नहीं आए। आपने बड़ी बातें की थी, दो दो लाख रुपए देंगे, किसानों के खाते में 2 लाख रुपए तो छोड़िए 20,000 भी नहीं आए। प्रामाणिक रूप से कमल भाई के आरोप कहीं सिद्ध होते नहीं है। कमल भाई खुद किसान हैं, इनके परिवार में जो सदस्य हैं उनके नाम पर कृषि भूमियाँ हैं, और रिकॉर्डेड प्रूफ है ये कि कमल पटेल, अमर सिंह मीणा और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ किसान नेता जो भी हैं उनके परिवार के सदस्यों को भी कर्जा माफ़ी हुई है। चूँकि ये विपक्ष में है, जनता को बरगलाना और जनता को बरगला के वोट हासिल करना ही अब इनके हाथ में रह गया है, इसलिए झूठे और अप्रामाणिक आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। कितने किसानों कर्जे माफ हो गए? यहाँ तो हमारे पास किसान भी मौजूद, हम उनसे पूछ लेंगे। आपके पास कोई आंकड़ा है हरदा जिले का? प्रूफ तो मैं भी बता सकता हूँ, प्रूफ बिल्कुल मेरे पास भी है, प्रामाणिक रूप से प्रूफ है। मैं मैसेज पेश करता हूँ जो प्रमाण पत्र सरकार ने जारी किए हैं, और यदि ये सरकार के जारी प्रमाण पत्र पर विश्वास नहीं करते हैं तो इससे यह सिद्ध होता है कि इनकी जो विश्वास। मुद्दा ये है कि प्रमाण पत्र तो आपने कह दिया कि इतने रुपए का कर्जा माफ किया गया है, लेकिन खाते में अभी कर्जा खड़ा हुआ है। वो खाते निल भी हुए हैं, क्रेडिट हो गया, बिल्कुल निल हुए। चलिए मेरे साथ किसान मौजूद है, किसानों से पूछ लेता हूँ। आप देखिए, मैं कैमरामैन कहूँगा, पहले अपने किसानों को दिखाएं। किसान यहाँ मौजूद है, आपकी आपकी कितनी जमीन है? मेरे पास 40 एकड़ है। कहाँ पर है? गोहत में। आपके ऊपर कितने रुपए का कर्जा था? कर्जा है मतलब 5 लाख का। तो 2 लाख रुपए आ गए? नहीं आया एक पैसा भी। एक पैसा है? 5 लाख के सामने एक भी पैसा नहीं आया? पैसा भी नहीं आया। आपका आपका नाम? हरिराम। आप भी किसान है? क्या नाम है आपका? शिवराम। शिवराम नांदा का रहने वाला हूँ। नांदा का? कितनी जमीन है आपके पास? 20 एकड़। कितना कर्जा था आपके ऊपर? कर्जा होगा बैंक का 40,000। कौन सी बैंक का? 4 लाख। कौन सी बैंक का? अबे साहब बैंक से कौन सी बैंक का 4 लाख रुपए कर्जा है? कितने रुपए माफ हो गए? एक पैसा नहीं आया। मेरा नाम माफ हुआ? नहीं हुआ, एक रुपया नहीं हुआ माफ। मैं माफ हुआ, एक रुपया नहीं हुआ सर माफ। ये सर देखिए, मैं किसानों से मैंने बात करी है, हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का, आप तो वकील साहब हैं। मैंने किसानों से बात करी, किसानों ने आपके सामने कह दिया कर्जा माफ। मैं 2 मिनट में मोबाइल पे बता रहा हूँ, जो लिस्ट बता रहा हूँ 2 मिनट में जी। कर्ज नहीं हुआ सर, किसी भी बैंक में किसानों का पैसा नहीं आया। इन्होंने प्रमाण पत्र दे दिया लेकिन किसानों के खातों में पैसा नहीं आया, सिवाय झूठ बोलने के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। किसान खुद यहाँ प्रमाण देने के लिए बैठे हुए, इसलिए सूची की आवश्यकता नहीं है। इस विषय में बहुत रणनीतिक तरीके से कमलनाथ जी ने हर जिले में जो कार्यक्रम किया है उसमें कुछ कांग्रेस के और कुछ लोगों को, किसानों को प्रतिनिधि के रूप में चार चार पाँच पाँच किसानों के प्रमाण पत्र उनके खाते में पैसे डलवाए, सिर्फ चार चार पाँच पाँच। इसके बाद में हरदा जिले के अंदर अगर 52,000 किसान है खाते धारक, उसमें से अगर 300-200 किसानों के प्रमाण पत्र वितरण करने के बाद में वैसी की वैसी स्थितियां हैं। सहकारिता के अंदर 52 सोसाइटी है, 52 सोसाइटी में सबको प्रमाण पत्र वितरित कर दिए गए हैं, प्रमाण पत्र खाली राज्य शासन ने छपवा के वितरित किए। अगर समिति एक को भी प्रमाण पत्र देती कि मेरी समिति से आपको कर्जा मुक्त किया गया है, तो मैं आज कांग्रेस प्रवक्ता को यह चैलेंज करता हूं। एक समिति ने एक रुपए का भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है, राज्य शासन ने जरूर प्रमाण पत्र जारी किया जो कि सहकारिता विभाग कोई मान्य नहीं कर रहा है। कर्जा राज्य शासन ने नहीं दिया, कर्जा सहकारी समिति ने दिया, और जिसने कर्जा दिया वो प्रमाण पत्र नहीं दे रही है। वो प्रमाण पत्र कोई और दे रहा है जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। पड़ोसी प्रमाण पत्र दे रहा है कि तेरा कर्जा मुक्त हो गया। भैया जिसने कर्जा दिया वो प्रमाण पत्र दे तो माने। नो ड्यू सर्टिफिकेट आज तक एक भी जारी नहीं हुआ मध्य प्रदेश में किसी भी बैंक का कि आपको कर्जा मुक्त किया गया है। बड़ा आश्चर्य है। आपको सबूत दिखा रहे थे। मेरे पास किसमें किसान हूँ। क्या शुभ नाम आपका? लक्ष्मीनारायण पटेल, तचपुरा में मेरी जमीन है। कितनी जमीन आपकी? मेरे पास 10 एकड़ जमीन है। बताइए। मेरे पास ऋण था 2 लाख रुपए का, लेकिन मेरे को दिखाइए। इसमें उनने पहले मैसेज आया था 7/3 को कि आपका ऋण माफ हो गया है
लेकिन 10 तारीख को 10-3 को फिर हो गया, बोले हम माफी चाहेंगे कि आपका ऋण माफ नहीं किया जाए। 3 दिन में ही सरकार का भाव बदल गया, भाव बदल गया, मतलब उनकी करनी और कदनी में अंतर है। जो सोयाबीन बेची थी उसका पैसा नहीं आया है, जो फसलें बेची है उसका पैसा नहीं आया है, मूंग उड़द जो बेची है उसका जो भावांतर था वो तक नहीं आया था। शिवराज सिंह तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि उड़दा का पैसा रखाया हूँ, सोयाबीन का पैसा रखाया हूँ। अरे तो शिवराज जी होते तो हमें तो इतना बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो सारा पैसा उनने जो देने का था वो तो हो गया ना। आप इनको तो छोड़ दीजिए, आप दूसरे विभागों की बजट की स्थिति तो देखिए। 31 मार्च को जो विभागों ने, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग, जिन्होंने बिल लगाए हैं, उनके बिल स्वीकृत हो गए लेकिन फंड नहीं आया। आप देखिए तो कितना बड़ा कोहराम मचा हुआ है। नहीं, ये घटिया जो आपकी जो अर्थव्यवस्था खराब हुई है, खजाना खाली हुआ, उसके लिए तो शिवराज जिम्मेदार है। मैं कमल पटेल से पूछ लेता हूँ, कि शिवराज जी खजाना खाली करके गए, अब बेचारे कमलनाथ कहाँ से पैसे दे। देखिए, शिवराज सिंह जी ने बजट प्रावधान किया था 500 रुपये भावांतर का, सोयाबीन का, उड़द का, लाल तुअर का, सबका पैसा बजट में था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। मैं बता रहा हूँ आपको, 5000 करोड़ का बजट इन्होंने खुद ने पूरे, मैं खुद विधायक, नई सरकार बनी, कमलनाथ जी ने 5000 करोड़ रुपया बजट में रखा, उसमें से मात्र 1300 करोड़ रुपया उन्होंने बैंकों को दिया, और जो पॉलिसी बनाई वही गलत बनाई। पूरा क्या होना चाहिए, बैंक कर्ज देती किसान को, सरकार को कर्जा किसानों की ओर से जमा करना था बैंक को, लेकिन इन्होंने जो पॉलिसी बनाई कि जिनका पैसा जमा हो गया उनका तो पूरा देंगे, तो वो कम से 5% 10% जी। मैं ये कह रहा हूँ कि खजाना तो आप खाली छोड़ के गए, आपने खजाने की बैंड बजा दी। नहीं नहीं, खजाना भरा हुआ है, खजाना है, शिवराज जी ने बजट में प्रावधान किया है, इनकी नीयत ठीक नहीं है। इनको किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है, अपना मुख्यमंत्री निवास बनाने के लिए पैसा है। मालूम आपको रिपोर्ट पहले कहा कि उदी लग गई इसके अंदर, इसलिए कभी भी मुख्यमंत्री का महल गिर सकता है, इसलिए नया मकान। और भजन मंडलियों के लिए हर ग्राम पंचायत में 25-25 हज़ार रुपये शिवराज जी ने भेजे थे, वो कमलनाथ जी ने वापस बुला लिया 58 करोड़, उससे बंगला बनवा रहे हैं। इनको किसानों की चिंता नहीं है, गरीबों की चिंता नहीं, यहाँ तक कि विधवा और वृद्धों की और विकलांगों की भी चिंता नहीं। दिव्यांग पेंशन तो बढ़ा दी है, वो नहीं बढ़ाई 300 का, अरे 1000 का कहा था, 300 भी नहीं मिल रही है, 300 भी नहीं मिल रही है। और बंगले, इनको मुख्यमंत्री को अपना बंगला बनाने के लिए समय है, पैसा है, लेकिन गरीबों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए नहीं। सारे काम 300 से 1000 रुपए पेंशन कर दी, मगर 300 रुपए वाली पेंशन भी नहीं मिल रही है। अभी 600 रुपए पेंशन कर दी गई है, और ये आचार संहिता के बाद 1000 रुपए पेंशन की जाएगी। एक हजार मिलेगी, 1000 रुपए पेंशन मिलेगी, 600 रुपए मिलेंगे, 600 मिलेंगे, 1000 रुपए मिलेगी चुनाव के बाद, बिल्कुल। और है ना, जो वादे कमलनाथ जी ने किए किए हैं, और जो किसान साथी बोल रहे हैं कि उनका कर्ज माफ नहीं हुआ, वो लिख के दे दे यहाँ पर बैठे कि हमको चुनाव में आपके बाद कर्ज माफ नहीं कराना है, और हम प्रामाणिक रूप से बोल रहे हैं, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं किसानों का कर्ज माफ होगा 2 लाख, और जिनको अगर किसी प्रकार का शक और शंका है तो वो लिख कर दे दे कि हमको कर्ज माफ नहीं कराना। हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार किसानों का कर्ज माफ करेगी, बिल्कुल करेगी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोला था कि किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ कर देंगे। कांग्रेस कमलनाथ जी ने सरकार बन गई किसानों पे झूठ बोल के, लेकिन अभी तक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। चलिए, किसानों का कर्जा एक मुद्दा हो गया, दूसरा मुद्दा पेंशन का मुद्दा। पेंशन में पार्षद हूँ वार्ड क्रमांक 34 का, और हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज मामा जब यहाँ सरकार में थे, हर 5 तारीख को विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन और विकलांग पेंशन जमा हो जाती थी। अब मेरे पास रोज 10-5 बुजुर्ग डेली आते हैं, बोले भैया पेंशन ही नहीं जमा हो रही है। आज करीबन 22 तारीख हो गई है, लोगों के खाते में पैसा जमा नहीं हुआ है, तो ये 2 लाख रुपए कैसे माफ करेंगे। उसके बाद दूसरा, युवा बेरोजगारों को इन्होंने गुमराह किया कि हम 4000 रुपये आपको महीना मानदेय देंगे। वो आज तक किसी युवा बेरोजगार को 4000 रुपये के लिए न तो कोई फार्मूला, को 4000 रुपये नहीं मिले। जब राहुल गांधी जी इतने बड़े प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन रहे हैं, और उन्होंने खुले मंच से बोल के गए कि हम 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं सरकार बदल देंगे, मुख्यमंत्री बदल दूंगा, तो अभी तक क्या किया उन्होंने? अरे इतने बड़े मंच से इतना बड़ा नेता, जब कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, उसका नेता इतना झूठ बोलता है। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं? बिल्कुल झूठ बोलते हैं, प्रमाण हो गया, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अभी तक 2 लाख रुपए इन्होंने कहा कि 10 दिन में तुम्हारा माफ हो जाएगा, और प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा, नोटिस भी मिल जाएगा आज तक। और चने हमारे 10-10 किलो सूख गए, आज तक तुल नहीं रहा चने, तुल नहीं बाकी रहा, मंडी में आने को मोचा धो रहे, कब मैसेज छोड़ेंगे, कब आएंगे घरों में भरे। गेहूं तो समय पे खरीदा ना, गेहूं खरीद रहा है, गेहूं का पेमेंट भी नहीं आया अभी, और लोगों की शादी आ गई है।
गेहूं किस आप इस क्षेत्र में गेहूं बड़ी तादाद में पैदा होता है? देखिए हरदा जिला हिंदुस्तान का, होशंगाबाद और हरदा जिला हिंदुस्तान का नंबर वन जिला गेहूं उत्पादन करने में, वही मैं कह रहा हूं। और चना भी हमने उत्पादन किया है। पिछली बार मैं विधायक नहीं था, लेकिन मैंने किसान संदेश यात्रा में गया था, गांव-गांव किसानों ने कहा कि चना ज़्यादा हुआ, लेकिन प्रदेश सरकार 15 क्विंटल खरीद रही है और सीहोर के अंदर 18 क्विंटल कर लिया था सीएम के यहाँ, तो वहाँ के लोग आके बोलते थे। मैंने कहा हम भी सीएम से लड़के करेंगे कि जब आपके 18 है तो हमारे यहाँ बढ़ाया जाए, और मैंने घोषणा की थी और जाकर मैंने 19 क्विंटल कराया, जिससे 33 करोड़ 60 लाख का फायदा हरदा जिले के किसानों को और 22 करोड़ का फायदा होशंगाबाद जिले को किसानों को एक दिन में मैं करा के आया था। लेकिन इस बार दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार बन गई, वही 15 क्विंटल है, जबकि इस बार चना हमारे यहाँ 30 क्विंटल हेक्टर से कम नहीं हुआ है, और इसलिए किसान कने की खरीदी सरकार नहीं कर रही। गेहूं की क्या स्थिति है? गेहूं की स्थिति पिछली बार 2000 क्विंटल बिका था, इस बार 1840, वो भी केंद्र सरकार का, 1 रुपया उसमें लिखा हुआ था प्रदेश सरकार का बोनस 0, 1 रुपया नहीं मिल रहा और किसानों को पैसा भी नहीं मिल रहा है, और इसलिए किसान औने पौने दाम पर चना भी बेच रहे हैं और गेहूं भी बेच रहे हैं, क्योंकि शादी करना है उनको। किसानों को दाम नहीं मिल रहा आपकी सरकार में? बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल गलत है और बिल्कुल बेबुनियाद है। सबसे पहले ये दो किसानों के प्रमाण पत्र है कर्ज माफी के। सर 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 सुनिए सुनिए, प्रमाण पत्र तो आपने बहुत सारे किसानों को दे दिए, कर्जा माफ नहीं हुआ प्रमाण पत्र, कर्जा नोड्यूस, आपने नोड्यूस सर्टिफिकेट किसी को दिया क्या? बिल्कुल नोड्यूस। किसको नोड्यूस सर्टिफिकेट? नोड्यूस सर्टिफिकेट हो तो मुझे बताइए, मुझे नोड्यूस सर्टिफिकेट दिखाइए। खुला चैलेंज श्री कमल पटेल। सर मुझे नोड्यूस सर्टिफिकेट, यदि उनके परिजनों का कर्जा माफ नहीं हुआ हो या वो कर्जा माफ नहीं कराना, आपके परिजनों का कर्जा माफ हो गया? अरे नहीं, मेरी बात सुनिए, पहली तो ये बताओ कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ है, आपके परिजनों का? नहीं 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 हुआ। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो कांग्रेस का काम ही झूठ बोलेगा, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी झूठ बोलता है, कमलनाथ। अच्छा ये बताओ, अच्छा वकील साहब एक मिनट रुकना वकील साहब, आदित्य ये बताना कि कमलनाथ जी ने 300 करोड़ स्वीकृत करने का कहा था कि नहीं कहा था, 5,500 मकान का? एक मिनट, आप लोगों ने उनका आभार नाम बदल, अरे प्रधानमंत्री, अरे 5 साल बाद मुख्य, अरे मेरी बात सुनिए, एक मिनट, ये कहा आप लोगों ने बंसल जी के कार्यकाल में आई है, कमलनाथ जी ने योजना स्वीकृत की है, कहाँ से की? 5 साल हो गए। हरदा शहर की जल आवर्धन योजना कांग्रेस के शासन में स्वीकृत हुई, खिरकिया शहर की जल आवर्धन योजना कांग्रेस के शासन में स्वीकृत हुई, आज 35 में से 34 पार्षद वाली भारतीय जनता पार्टी की परिषद, और कमल पटेल के लिए शर्मनाक तथ्य है कि यहाँ का नागरिक प्यासा मर रहा है, हरदा का नागरिक प्यासा मर रहा है, हरदा का नागरिक प्यासा मर रहा है। कोई प्यासा नहीं मर रहा है, ये कांग्रेसी प्यासे मर रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, बाकी पूरी जनता को। सुनिए सुनिए, मैं जब मंत्री था मैंने एक जलावर्धन योजना स्वीकृत कराई, इनके कांग्रेस की नगरपालिका 8 साल थी, एक भी टंकी नहीं बनाई, भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका बनी, हमने 8-10 टंकियां बनाई है, घर घर नल जल योजना दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी के अंदर पानी की डिमांड बढ़ती, लोग मोटर लगा के ज़्यादा पानी खींचते हैं, इसलिए थोड़ी पानी की कमी है, लेकिन अगर वो भी हमने अभी कर दिया कि मोटर वालों को जब्ती कर दी, लेकिन पानी हम टैंकर से भी दे रहे हैं, घर घर पानी पहुँचा रहे हैं, पानी की भी कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन मेरी कहना ये है कि ये बताओ कि कमलनाथ ने 5,500 लोगों के मकान का झूठ बोला कि नहीं बोला, और इसलिए उसका सबक मिला, विधानसभा में निपट गए। एक बार आप जनता को झूठ बोल के आंखों में धूल झोंक के जीत सकते हो, लेकिन बार बार नहीं। अब कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला था, 15 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे, 15 लाख का एक मिनट, उसका जवाब भी मैं दे रहा हूँ। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि 15 लाख तुम्हारे खाते में डालेंगे, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेसियों ने इतना विदेशों में जमा कर लिया नंबर दो का पैसा, अगर वो भारत में आ जाए तो जितनी जनसंख्या, क्यों नहीं ला पाए? नहीं, लाए हैं, सुनिए लाए हैं, और कानूनी अड़चने भी रहती है, सुनिए एक मिनट, कानूनी अड़चने भी रहती है, और अभी देखिए कांग्रेस की सरकार बने 4 महीने हुए हैं, मुख्यमंत्री के पीए ओएसडी और इनके भांजे के यहाँ छापा पड़ा, 281 करोड़ रुपए जो इन्होंने ट्रांसफर में कमाया था और वसूली की थी, उसके कारण आज वो छापा पड़ के हुआ इनके चुनाव के कारण। पूरी नर्मदा में अवैध खनन चल रहा है, 70-70 टन के डंपर चल रहे हैं। नर्मदा में अवैध खनन तो आपकी सरकार में चलता था, आपने आवाज भी उठाई थी, हमने आवाज उठाई, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कानून बदल दिया, रोक लगा दी, लेकिन कमलनाथ जी क्या कहते हैं अभी पत्रकार वार्ता में सुनिए, भोपाल में हरी भूमि पत्रकार ने कहा कि साहब अवैध खनन का आप पहले मुद्दा उठाते थे, अब तो वो कहते हैं
पहले कांग्रेस बीजेपी के 80% अवैध खनन करते थे, अब कांग्रेस की सरकार आ गई तो हमारे लोग 80% खनन कर रहे हैं, 20% बीजेपी के। ये एक मुख्यमंत्री इस प्रकार का बयान देता है, यानी कि खुद अवैध खनन करवा रहा है, इसलिए अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेरा आरोप है और मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि कमलनाथ जी अवैध खनन करवा कर भ्रष्टाचार का नंबर दो का पैसा कमा रहा, और ये पैसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव में लगाया जा रहा है। मैं बहुत दूसरे मुद्दे मेरे पास बहुत सारे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग सेना का दुरुपयोग कर रहे हैं, सेना की शौर्य को अपनी पार्टी बुला रहे हैं। हमारे साथ आम जनता के लोग भी उनसे राय पूछ लेते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी सेना का दुरुपयोग कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। सेना का नाम लेना, सेना के बालाकोट के हमले को अपने क्रेडिट बताना, सर्जिकल स्ट्राइक सेना के जवानों ने की, उसको मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, ये कहना ये दुरुपयोग नहीं है? इसकी बहादुरी को बताने में कोई दिक्कत नहीं है। देश ने बहादुरी का काम किया है, हमारे जवानों ने बहादुरी का काम किया है, तो उसको बताने में कोई हर्ज नहीं है। 1971 में जब इंदिरा जी ने युद्ध किया था तो इंदिरा की वाह भाई आज तक लोग गा रहे हैं, और अगर मोदी जी ने दृढ़ता के साथ आतंकवादियों को ठिकाने लगाया है तो कहने की क्या बात है उसमें? भाई देश इतने बोल रहे हैं ना, वो देश इतने हम उनका समर्थन करते हैं। जब तत्कालीन प्रतिपक्ष नेता माननीय अटल जी ने इंदिरा जी की प्रशंसा की थी कि आपने ठीक काम किया है, आज तक उन्हें दुर्गा कहा था। निश्चित तौर पर आपको सब कुछ ज्ञान है, लेकिन राहुल गांधी ने आज तक मोदी जी की तारीफ नहीं की है, ये इससे बचकाना हरकत राहुल गांधी की। राहुल गांधी तो कहते हैं कि चौकीदार चोर है, बहुत बड़ा बच्चा है वो देश, राहुल बहुत बड़ा बच्चा है जो इस तरह से। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप के कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि चौकीदार चोर है, मैं भी कहता हूं कि हाँ चौकीदार चोर है, परंतु चौकीदार ने उन 7 करोड़ परिवारों के घर में शौचालय बनाकर उस गंदगी की चोरी की है, और 6 करोड़ उन परिवारों को रसोई गैस देकर उस घर से अंधे उस घर से धुएं की चोरी की है, और 3 करोड़ उन परिवारों को जो 75 सालों में जहां तक बिजली नहीं पहुंची थी उस घर में अंधेरे की चोरी की है। इसलिए चौकीदार प्योर है और प्रधानमंत्री बनना उनका श्योर है। क्या युवा आज बेरोजगार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई? आप युवा हैं, युवा नेता हैं, बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या नहीं है? मतलब बेरोजगारी से बड़ा देश का सम्मान, सम्मान के आगे बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था मायने नहीं रखती। आज मोदी ने देश का घोरा और भूखे मर जाएंगे मगर सम्मान ज्यादा जरूरी है, ये हिंदुस्तान की प्रवृत्ति है कि सम्मान बैठे से लाना चाहिए, पर भूखे बैठे महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई पर सम्मान से समझौता नहीं किया। तो सम्मान से समझौता, मोदी जी लोगों को बेरोजगार रख के देश का कौन सा सम्मान बढ़ा रहे हैं? बेरोजगारी के आंकड़े पहले से कम हो चुके हैं, सकल जो स्वरोजगार योजना और इसके माध्यम से लोगों को रोजगार दिए गए। आपको लगता है कि मोदी है तो पाकिस्तान को ठिकाने लगाया जा सकेगा? आप पूरे देश को लगता, मुझे को लगता, पूरे देश की जनता मोदी के साथ है और देश सुरक्षा के साथ मोदी। राष्ट्रीयता का मुद्दा अहम है, हम भूखे रह लेंगे, बेरोजगार रह लेंगे, लेकिन देश की रक्षा की बात आती है तो हम मोदी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये एक ऐसी सरकार आई है जिसने आज ऐसे फैसले लिए जो पाकिस्तान 50 साल से मतलब हमारे भारत को परेशान कर रहा था आतंकवाद के रास्ते, आज उसको ठिकाने लगाने में। श्रीलंका में कल बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और ये श्रीलंका में जिस तरह का विस्फोट हुआ उसमें भी कुछ इस्लामिक संगठनों के नाम आ रहे हैं, कुछ ISI से जुड़े हुए जो जिहाद व्यादी संगठन है उनके नाम आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी अगर भारत में रहेंगे तो इस तरह के आतंकवादी हमले भारत से भारत सुरक्षित रहेगा? देखिए, आतंकवाद के मुद्दे पे सारे देश एकजुट हो चुके हैं, और आप आतंकवाद का एक पाकिस्तान को छोड़ के सारे देश एकजुट हो चुके हैं, और अब आतंकवाद का निश्चित ही अंत हो जाएगा। जब कांग्रेस के राज में कितने सिर कटे थे, कभी कह रहे वो सोचा था, और मोदी जी के टाइम पे अभिनंदन को 24 घंटे में आ गया था, जिनेवा समझौता कारण आया था, समझौता नहीं है, डर के मारे आ गया था पाकिस्तान छोड़। चलिए, डर के मारे आ गया था, यह आम आदमी का भाव है कि डर के मारे वो आ गया, हालांकि जिनेवा समझौता अपनी जगह पर है, लेकिन आम आदमी की अपनी सोच होती है। कमल पटेल जी, चुनाव आयोग ने कहा कि सेना का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए चुनाव में, आपकी पार्टी मान नहीं रही, लगातार सेना का दुरुपयोग कर रही है? नहीं, बिल्कुल गलत आरोप है कि हम सेना का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमने सेना का सदुपयोग किया है। 50 साल में कांग्रेस ने सेना को अपना अधिकारी नहीं दिया था, मोदी जी ने सेना को छूट दी है, और मोदी जी को ये विश्वास था
कि मेरी सेना बहादुर है और पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके सुरक्षित वापस आ जाएगी, और इसलिए उन्होंने छूट दी और हमारी सेना ने वो करके दिखाया। इसलिए सेना की तारीफ करना, गर्व करना हमारा कर्तव्य और अधिकार हर नागरिक का है। कांग्रेस को विश्वास ही नहीं था और इसलिए कभी उन्होंने परमिशन नहीं दी। दूसरी बात, मोदी जी ने कश्मीर में जितने अलगाववादी नेता थे जिनको विदेशी फंडिंग होती थी, हजारों करोड़ उनके पास जमा थे, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते और वहां के लोगों को वो सेना को पथराव कराते थे। आतंकवाद का समर्थन करने वाली पीडीपी के साथ आपने कश्मीर में सरकार बनाई? नहीं नहीं सुनिए, हमने सरकार इसलिए बनाई थी ताकि हमको वहां पता तो लगे जाके कि क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद में कोई तो घुस के मारा है और आज आतंकवादियों की पूरी फाइलें बनवा ली सरकार में रह के, और इसलिए आज वो जेल के अंदर है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि जो कांग्रेस कभी देश को आजादी कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज वही कांग्रेस जो जिन्ना मुस्लिम लीग जो सांप्रदायिक पार्टी है जिसने भारत के दो टुकड़े कराए, राहुल गांधी उनके तलवे चाट रहा है, वहां जाकर वायनाड में उनसे समझौता करके और चुनाव लड़ रहा है, और मुस्लिम लीग ने राहुल गांधी की स्थिति पूरे देश में सर्वे कराया। कांग्रेस ने 10-10 बार राहुल गांधी अमेठी से हार रहे हैं, कहीं नहीं जीत रहे, कहां है तो 70% मुस्लिम आबादी है वायनाड में, और वहां मुस्लिम 52% अल्पसंख्यक है, दोनों मिला के ईसाई और मुसलमान मिला के 52%। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, और मुस्लिम लीग ने समझौते में देखो, आप जब फॉर्म भरने गए तो झंडा कांग्रेस का एक था बाकी मुस्लिम लीग का था। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से कहा, राहुल गांधी से, कि अगर आप देशद्रोह का कानून, राजद्रोह का कानून खत्म करोगे घोषणा पत्र में तो हम तुमको समर्थन देंगे। और राहुल गांधी ने और कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस डूबे तो डूबे लेकिन पप्पू जीतना चाहिए, इसलिए इस तरह से कर लिया। मुस्लिम मेरा सवाल सुनिए, आपके नेता मंदिर जाते हैं और मुस्लिम युग से समझौता करते हैं। एक सवाल का जवाब कमल पटेल और ये तथाकथित भाजपा ही दे, जिन्ना की मजार पे जाके पाकिस्तान में जाके माथा टेकने वाले इनके धर्म गुरु आडवाणी कौन थे? जिन्ना की मजार पे जाके माथा टेकने वाले आडवाणी को ये अपना संरक्षक मानते हैं। जिन्ना भी चले गए और आडवाणी भी चले गए, राहुल गांधी यही है। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी मुस्लिम लीग से समझौता कर रहे हैं और गले में जनेऊ डालते हैं। मुस्लिम लीग की बात करने का और बात उठाने का जिन्ना आडवाणी के वंशजों को कोई हक नहीं है। मैं उठा रहा हूँ ये सवाल कि आपके नेता एक और तो मंदिर जा रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, अपना गोत्र बता रहे हैं, जनेऊ कपड़े के ऊपर पहन रहे हैं और दूसरे ऊपर मुस्लिम से समझौता कर रहे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यूपीए का प्रारंभ से हिस्सा थी। मुस्लिम लीग भारतीय इलेक्शन कमीशन द्वारा रजिस्टर्ड पार्टी है। क्या कमल पटेल भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक संविधान पर विश्वास नहीं रखते हैं? ये स्पष्ट बोलें। जिस पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ तो अगर मुस्लिम लीग आपको इतनी पसंद है तो हिंदू महासभा से आपको इतना ऐतराज क्यों है? हम तो हिंदूवादी हैं। हिंदू महासभा से आपको इतना ऐतराज क्यों? हमारा नेता हर मंदिर में जाते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं। कांग्रेस ने हमको यह सिखाया है। देखिए ये बड़े, मैंने फिर से कहा है, मुस्लिम लीग इनकी स्थिति ये हो गई है कि ये धोबी के कुत्ते घर के न घाट के, न इधर के रहे न उधर के रहे, बीच में रह गए। राहुल गांधी को बता दिया शिव अवतार। अरे हमने कहा शिव की तुम धूल भी नहीं हो, शिव जी ने तो जहर पिया था, राहुल गांधी जहर पी के बता दे और फिर अगर हो जाए हम भी नीलकंठ मान लेंगे उनको, और इसलिए वोट के खातिर ये भगवा दुपट्टा भी पहन लेंगे, हिंदू भी बन जाएंगे, वोट के खातिर ये मुस्लिम लीग से समझौता कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा भोपाल में है वो शहीदों का अपमान कर रही है, हेमंत करकर के, आप तो साध्वी प्रज्ञा को तब से जानते थे, वो विद्यार्थी परिषद में थी, आपने उनके साथ काम किया है, वो हेमंत करकर को कह रहे हैं कि मेरे श्राप से हेमंत करकर मर गया। देखिए साध्वी जी के साथ जो भी कांग्रेस के शासन में जितना अन्याय अत्याचार हुआ, एक महिला वो भी साध्वी, उसको उल्टा लटका लटका के मारा, उसकी चमड़ी को बोटी बना दी, और इतना अन्याय अत्याचार जिस व्यक्ति ने किया हो तो उसके प्रति उसको श्राप नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? और इसलिए व्यक्ति के रूप में, और हेमंत करकरे जी शहीद हुए, हम उनको नमन करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि आतंकवादियों के हमले में, लेकिन उस समय की कांग्रेस की सरकार थी, कुछ नहीं कर पाए पाकिस्तान के ऊपर, कुछ हमला नहीं कर पाए, ने सेना को छोड़ दी 26/11 के बाद। हाँ 26/11 के बाद कुछ नहीं किया इन्होंने, और बटाला हाउस में जब एनकाउंटर हुआ तो सोनिया गांधी आंसू बहा रही थी, रो रही थी, और जब हमारे सैनिक मरते हैं रोज, उस दिन उनको कोई तकलीफ नहीं। बटाला हाउस कांड के एनकाउंटर में तो एक जो शर्मा जी थे वो भी मारे गए थे, इंस्पेक्टर शर्मा, लेकिन उनको तुष्टिकरण की नहीं, इनको वोट चाहिए, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए हमारे लिए पहले देश,
फिर पार्टी और फिर व्यक्ति। मोदी जी ने देश के लिए जीएसटी लाए, देश के लिए नोटबंदी की, देश मोदी जब मुख्यमंत्री तब जीएसटी का विरोध करते थे, आधार कार्ड का विरोध करते थे, प्रधानमंत्री बनकर तो जीएसटी लिया 24% के साथ। देखिए सुनिए, देश के लिए उन्होंने सेना को सुरक्षा छूट दी और देश के लिए सब कुछ किया। देश अगर हमारा सुरक्षित रहेगा तो हम और आप सब रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए देश नहीं है, पार्टी भी नहीं है, सिर्फ पप्पू है। भले कुछ बात कुल बात बैतूल की कर लेते हैं। बैतूल संसदीय क्षेत्र के तमाम मुद्दे जिन पर हम चर्चा कर रहे थे, बेरोजगारी है, किसानों का कर्जा माफी है, पानी की समस्या है, बेरोजगार साथ में राष्ट्र धर्म है, सेना है, ये सारे मुद्दे देश के मुद्दे हैं जो बैतूल संसदीय क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। लेकिन क्या बैतूल संसदीय क्षेत्र में जो पिछला चुनाव आपने 4.25 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, क्या आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस सरकार में भी है, 4 विधायक भी है, 1 मंत्री भी है, इस बार बैतूल में हवा बदलेगी? 5 लाख से हम पिछली बार से ज्यादा वोटों से इस बार यहाँ से जीतेंगे, और ये इनका झूठ क्लियर हो चुका है। अभी तक लोगों को मालूम नहीं था कि ये मुस्लिम लीग के साथ इनका गठबंधन है। मुस्लिम लीग जो है ये सेकुलर बोलते हैं, मतलब ये बाकी पार्टियां सांप्रदायिक हो गई, शिवसेना सांप्रदायिक हो गई, भाजपा सांप्रदायिक हो गई, मुस्लिम लीग सेकुलर हो गई। मुस्लिम लीग क्यों सांप्रदायिक नहीं है जब ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं? तो मैं स्थानीय मुद्दे की बात कर रहा हूँ, स्थानीय मुद्दे में क्या बैतूल संसदीय क्षेत्र में इस बार, पिछले विधानसभा चुनाव में आपने 90,000 की लीड ली, ज्योति ध्रुवे के आदिवासी नकली आदिवासी होने के बाद पार्टी पे क्या असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार आने के बाद में यहाँ पर जो हरदा जिला है यहाँ पे 550 करोड़ रुपए की नहरों की लाइनिंग का काम हुआ है, 550 करोड़ की लाइनिंग का। आप ये कल्पना कीजिए कि इतना बेहतरीन काम हुआ है, खेतों तक पहुंचने के लिए पानी बहुत व्यवस्थित तरीके से हुआ, इससे 30% पानी की अधिकता होगी तो खिड़किया बेल्ट और उसके आगे पूरा पानी जाएगा, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट परसेंटेज बढ़ेगा ही, किसानों के वोट बढ़ेंगे। चलो नहरें उखड़ गई हैं, नहरें उखड़ गई हैं, बताइए। यहाँ की नहरें पूरी तरीके से उखड़ गई है, आप अखबार उठा के देख सकते हैं, जितने प्रमुख अखबार है यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, दोनों पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पर बैठे हैं, अभी आप मोदी जी पे बात कर रहे हैं और सोनिया गांधी राहुल गांधी बात कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों पर भी अगर बात करें तो मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में चल जाऊँ, कितने लाख से जीती थी ज्योति ध्रुवे? 4 लाख के आसपास से, पौने चार लाख वोटों से। यहाँ पर ट्रोमा सेंटर आज भी वहीं लटका हुआ है, यहाँ पर सेंट्रल स्कूल आप पूछ सकते हैं, दोनों दल के लोग बैठे हुए हैं, सेंट्रल स्कूल के बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है पैसा आ चुका, आज तक बना नहीं है, जो खातेगांव का ब्रिज, खातेगांव को जोड़ने वाली जो नदी है नर्मदा हमारी, वो उसका जो ब्रिज है उसके 30 साल हो चुके हैं पूरे, उसको आज तक सुधारने का कोई प्रस्ताव नहीं है, एक ब्रिज की स्थिति 30 साल की होती है वो खत्म हो चुकी है। चौथा जो बड़ा स्थान है कि खातेगांव तक रेलवे लाइनिंग आएगी, माननीय कमल जी पटेल ने कहा था कि इस रेलवे लाइन को मैं हरदा से भी जोड़ूंगा, इस मांग को इस मुद्दे में इन्होंने जोड़ा नहीं अभी तक भी। पांचवा जो बड़ा मुद्दा है, जो फ्लाईओवर की बात की गई है कि रेलवे जो हमारा जो फ्लाईओवर बनना था वो भी आज तक बना नहीं है, ये हमारे जो मुद्दे हैं इसको ये भटका रहे हैं यहाँ पर, आप लोकल मुद्दे को लेकर चलो। और अभी तक घोषणा पत्र में ना दोनों कोई प्रत्याशी यहाँ पर आए और उन्होंने ऐसी बात यहाँ नहीं की है जनता के बीच में कि हम ऐसा कार्य इसके लिए करेंगे। हमें मोदी और सोनिया गांधी पे वोट तो देना है, नहीं देना वो अलग चीज़ है, हमारे लिए आप क्या करोगे चूंकि आदिवासी अंचल। आम आदमी की राय कमलनाथ जी ने पूछा, बहुत अच्छे सवाल इस आम मतदाता ने उठाए, आम आदमी ने उठाए कि भाई यहाँ की जो है ब्रिज को 30 साल हो गए, नर्मदा को वो ठीक नहीं करा, रेल लाने का आप सपना दिखाते खाली पुलाव पकाते हैं, रेल नहीं आई, और भी उन्होंने कहा कि सेंट्रल स्कूल के पैसा आके लैब्स होने को है, बिल्डिंग बनी नहीं, ये तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए। 4.25 लाख से जीतने के बाद सांसद ध्रुवे ने कुछ भी नहीं किया, वो निष्क्रिय रही। देखिए इंदौर से जब मैं पढ़ने जाता था सिंगल रोड रहती थी, नाव से जाते थे, और इस सिंगल रोड को जो स्टेट हाईवे नहीं था हमने उसको नेशनल हाईवे घोषित करवाया, फिर 2 लेन रोड बनी, अब 4 लेन रोड सेंक्शन हो गया है, नर्मदा जी के ऊपर एक 4 लेन का ब्रिज बनेगा वो स्वीकृत हो चुका है, यहाँ बाईपास बनेगा स्वीकृत हो चुका है, 4 लेन हमारा स्वीकृत हुआ तो हम अहमदाबाद से लेकर इंदौर, इंदौर से हरदा, बैतूल, नागपुर और चेन्नई तक का रूट हो गया सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए बहुत ट्रक चल रहे हैं। और दूसरी बात रेलवे ओवरब्रिज की है, तो रेलवे ओवरब्रिज भी उसमें पास हो गया है, वो भी काम हो। आपने कहा था रेल हरदा तक आएगी? नहीं नहीं, रेल के लिए मैंने विधानसभा में शासकीय संकल्प लगाया था, वो रेल बुधनी से और इटारसी चली गई है, लेकिन हमारे किसानों की जमीन, मैंने किसानों से चर्चा की कि हम रेल लाइन का, जैसे ही मैंने विधानसभा में आया तो पूरे क्षेत्र के किसान मेरे पास आए कि हमारी जमीन हम अधिग्रहण नहीं करना चाहते, 4 लेन रोड हो गया, हमको आना जाने में सुविधा रहेगी, हम खातेगांव से पकड़ लेंगे, क्योंकि किसान को पहले खेती करना है, रेल में जमीन बहुत जाएगी, उसके बावजूद भी अगर जनता चाहेगी तो हम यहाँ से भी रेल करेंगे, रेल में से है। तीसरी बात, मोदी जी ने जितना काम 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी ने 5 साल में सेंट्रल स्कूल क्यों नहीं खोला? सेंट्रल स्कूल खुला है,
सेंट्रल स्कूल भी हमने खुलवाया, नवोदय स्कूल भी हमने खुलवाया। बिल्डिंग का जहाँ सवाल है, 10 एकड़ जमीन चाहिए थी, हमने शासन से उसको 6 एकड़ जमीन दिलाई है। अब ये प्रयास चल रहा है कि 6 एकड़ के अंदर नहरें की बात कर रहे हैं, लेकिन नहरें तो टूट गई हैं सब। देखिए नहरें बनी हुई थी पुरानी, उनको हमने सुधारा है और अब लाइनिंग का काम चल रहा है, हमने खिड़कियां भी नहर पहुंचाई है। और आज हरदा जिला कृषि प्रधान जिला है, देश में नंबर वन है। और आज हरदा जिले की संपन्नता देखें तो ये 15 वर्षों में जो सिंचित हुआ है और रोड बनी है और जिसका हर घर में गाड़ियां हैं, मकान गांव गांव में बन रहा है, विकास हो रहा है और उसलिए किसान खुशहाल है। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने में जो पिछली बार 2000 रुपये क्विंटल गेहूं बिका था वो 1840। चलिए किसान खुशहाल है तो कर्जा क्यों माफ़ करना? नहीं, कर्जा माफ, देखो कर्जा हमने नहीं कहा माफ़ करने का, कर्जा कांग्रेस ने कहा था सत्ता प्राप्त करने के लिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़े थे, क्या नाम था उनका, जयकृष्ण सराफ, उसने कहा कि मैं विधायक बना तो अंग्रेज जो इंग्लैंड सोना ले गए वो वापस हरदा में लाऊंगा, द्वार बनाऊंगा और फिर हरदा की जनता को प्लेन में घुमाऊंगा मेरी तरफ। उसको मालूम था कि अपनी सरकार विधायक बनना ही नहीं तो कुछ करना ही नहीं, यही स्थिति कांग्रेस की थी। कांग्रेस को भी ये पता था कि सरकार तो अपनी बनना ही नहीं क्योंकि अपन ने कोई कर्म किया नहीं ऐसा। और इसलिए क्या 2 लाख का कर्जा माफ़, किसानों का, महिलाओं के समूह माफ़, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 4000 रोजगार और बुजुर्गों को 1000 पेंशन और कर्मचारियों को संविदा को रेगुलर पहली कैबिनेट में सबको कह दिया। अब सरकार धोखे से बन गई, अब गले में फांस फंस गई। अब कमलनाथ कह रहे हैं कि दिल्ली में भी सरकार नहीं बनेगी हमारी, अष्टी शंकु सरकार बनेगी। कांग्रेस के विधायक मेरे मित्र हैं, मैं क्यों भाई क्या हुआ, बोले भैया मुंह दिखाने लायक नहीं, हम तो जनता हम जा नहीं सकते। कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं कि हमने कांग्रेस छोड़ दिया, बीजेपी का काम करेंगे। मोदी शेर है, 56 इंच का नहीं 156 इंच का सीना है। इस समय देश में मोदी के बराबर कोई नेता नहीं है और इसलिए लास्ट को आगे बढ़ाना है। लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा, कार्यक्रम की समाप्ति के दौर है, अब लास्ट कमेंट। कमल भाई ने बहुत सारी उपलब्धियां बता दी, कहा मोदी शेर है, राहुल पप्पू है। कमल भाई अपने सीने पर हाथ रख के बोल दें कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुए या नहीं हुए। तो बालाकोट किसने किया, सर्जिकल स्ट्राइक किसने की, मेरा सवाल यही सवाल रोकता हूँ। अगर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो बालाकोट किसने किया, सर्जिकल स्ट्राइक किसने की? मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 9 सर्जिकल स्ट्राइक हुई। कांग्रेस बालाकोट किसने किया, कांग्रेस वो चलिए आपके पास सवालों का जवाब नहीं है। पाकिस्तान तोड़ने के लिए इंदिरा गांधी जिम्मेदार है लेकिन बालाकोट के लिए मोदी जिम्मेदार नहीं है। यही कांग्रेस की दोहरी नीति कांग्रेस को मुश्किलों में डाल देती है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए। देखते रहिए डीजेआरआई न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।